नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। टीम इंडिया के फॉर्मर कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ का टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है। अंडर 19 टीम में उनको और दोनों टीमों में उनका सिलेक्शन हुआ है। भारत को वनडे और चार दिवसीय टेस्ट सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये दोनों सीरीज कहीं ना कहीं यंग टैलेंट के लिए काफी अच्छा मौका होगा। लेकिन समित द्रविड़ अब राहुल द्रविड़ के बेटे हैं, और राहुल द्रविड़ के को द वॉल के नाम से जाना जाता था। टीम इंडिया के पूर्व कोच भी रहे, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया जीती तो वहां पर भी अहम रोल प्ले किया। लेकिन क्या समित द्रविड़ भी ऐसा ही खेल दिखाएंगे जैसा राहुल द्रविड़ ने दिखाया था? लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों, ये समित द्रविड़ को दोनों टीमों में शामिल किया गया है, और ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कैसा खेल खेलते हैं। और 21 सितंबर से दोनों टीमों के बीच सीरीज का आगाज होगा, तो पहले देखते हैं वनडे सीरीज में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की अंडर 19 टीम कुछ इस प्रकार है। रुद्र पटेल जो कि वाइस कैप्टन होंगे, साहिल पारक होंगे, इसके अलावा मोहम्मद अमान को टीम की कमान मिली है, और इसके अलावा अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। विकेट कीपर की बात करें तो अभिज्ञान कुंडू होंगे, हरवंश सिंह पंगलिया जो कि विकेट कीपर दूसरे होंगे, समित द्रविड़ का भी नाम है, समर्थ एन, निखिल कुमार, चेतन शर्मा, इस तरीके का यहां पर आपको कॉम्बिनेशन नजर आएगा। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार दिवसीय सीरीज के लिए भारत की अंडर 19 टीम देखें तो वहां पर वैभव सूर्यवंशी होंगे, और विहान मल्होत्रा जो कि वाइस कैप्टन होंगे इस टीम के, सोहम पटवर्धन कैप्टन होंगे, और समित द्रविड़ इन पर सबकी निगाहें रहेंगी कि ये कैसा खेलते हैं। चेतन शर्मा भी होंगे, समर्थ एन होंगे, आदित्य रावत होंगे, निखिल कुमार होंगे, अनमोल जीत सिंह, इनसे भी बड़ी उम्मीदें होंगी, और मोहम्मद एनान को भी दोनों टीमों में मौका मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच जो सीरीज है वो 21 सितंबर से स्टार्ट होगी, और पहला वनडे 21 सितंबर से खेला जाएगा, दूसरा वनडे 23 सितंबर से होगा, तीसरा वनडे 26 सितंबर से होगा। और वहीं चार दिवसीय सीरीज की शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट मैच 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। लेकिन सबकी निगाहें समित द्रविड़ पर रहने वाले कि वो कैसा खेल दिखाएंगे, क्योंकि देखिए क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर आए हैं और जिनके पिता ने अच्छा किया था, जैसे सुनील गावस्कर, उनके बेटे रोहन गावस्कर आए लेकिन वैसा काम नहीं कर पाए जो सुनील गावस्कर ने किया था। इसके अलावा अगर देखें तो रोजर बिनी के बेटे स्टुअर्ट बिनी आए, हालांकि उन्होंने T20 में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में बेस्ट बने थे और द बॉल के नाम इसीलिए जाने जाते थे क्योंकि हर जगह उन्होंने रन बनाए थे, भारत में भी रन बनाए, भारत के बाहर भी रन बनाए, उन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई, 248 रन उन्होंने बनाए थे, हाईएस्ट स्कोर उनका। लेकिन यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि भाई समित द्रविड़ क्या वैसा ही टेम्परामेंट दिखेगा जो राहुल द्रविड़ में दिखता था, वैसी क्लास दिखेगी जो राहुल द्रविड़ में दिखी थी, क्योंकि अब अंडर 19 में पहली बार इस खिलाड़ी को मौका मिला है और यहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या कहते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, क्या वो दोनों हाथों से इस मौके का फायदा उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 21 सितंबर से यह सीरीज कई यंगस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम समित द्रविड़ का है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो पूर्व कोच हैं टीम इंडिया के राहुल द्रविड़, उनके बेटे समित द्रविड़ कैसा खेल दिखाते हैं। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।